हेलो फ्रेंड्स, उन्नति कुकिंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बना रहे हैं तिल्ली के लड्डू। यहाँ सबसे पहले हमने तिल्ली को अच्छे से धो करके बीन लिया है। अब हम इसे सेक लेंगे। तिल्ली को हम 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की मध्यम फ्लेम पे सेकेंगे। इसमें से हल्की सी स्मेल आना शुरू हो जाएगी और इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये चटकना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब हमारी तिल्ली हो गई है। इसके दाने हल्के से फूल जाएंगे, देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। अब हम तिल्ली को निकाल देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये ठंडी हो रही है, जब तक के लिए हम गुड़ को इस तरह से कट कर लेंगे। यहाँ पे हम गुड़ और तिल्ली दोनों की क्वांटिटी इक्वल रखेंगे। मैंने 150 ग्राम के समथिंग तिल्ली ली है, तो मैं गुड़ भी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 150 ग्राम लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, गुड़ को मैंने कट कर लिया है बारीक, इससे ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। अब हम तिल्ली को पीस लेंगे, थोड़ा बिल्कुल हल्का सा इसे क्रश करेंगे, थोड़े बहुत दाने इसके फूट जाए। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से, बिल्कुल ज़्यादा क्रश नहीं करना है। अब हम लड्डू बनाएंगे। इसके लिए हम कढ़ाई में गुड़ डालेंगे और इसमें छोटी चम्मच पानी डालेंगे। पानी बहुत ही कम डालना है जिससे अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए, सारे लम्ब्स इसमें से ख़त्म करेंगे जब तक हम इसे गर्म करेंगे। जैसे ही हमारा गुड़ पूरा एक जैसा हो जाएगा, इसमें हम तिल्ली डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब इसे हिलाते रहिए जब तक कि अच्छी तरह से पूरी मिक्स ना हो जाए। इसे हम चलाएंगे 1 से 2 सेकंड के लिए बस, जब तक अच्छे से मिक्स ना हो जाए। अब अच्छे से गुड़ और तिल्ली मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसे कढ़ाई से नीचे उतार लेंगे और गरम गरम लड्डू बनाएंगे। आप हाथों पे इस तरह से पानी लगा करके लड्डू बनाएंगे तो आपके हाथ पे ये नहीं चिपकेंगे और इजीली लड्डू बन जाएंगे। इसी तरह से सारे लड्डू को बना के तैयार कर लीजिए। टेस्टी टेस्टी तिल्ली के लड्डू बनके तैयार है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।